खुश रहा कुत्ता कमीना, कौन देंगे इनको जवाब। Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's happy healthy video for me. Thank you so much hooka mein upar sir my home brother sister girl boy and everyone. Thank you so much but my heart my beautiful G2 family. सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, बहुत ही हगामा हो चुका है, कुत्ते हैं भौंकते हैं लाइवे करते हैं और लाइवों के ऊपर चार चार पांच पांच घंटे बैठ कर बात करते हैं मेरे ऊपर। तो ये औरतें जो हैं खुसरा हैं, ये औरतें जो हैं कुत्तियां हैं, ये औरतें जो हैं हमारे ऊपर बात कर कर व्यू खाती हैं। ये किसने कहा है? जहरी बात है जी नजमा, 440 420 से भी ऊपर अब 140 हो चुकी है जी। जी नजमा चाची 440 जी, 440 को लगा है बड़े जोर का करंट, ऐसी ऐसी जगहों पे करंट लगा है, ऐसी ऐसी जगहों पे शॉर्ट लगा है कि बेचारी हकी बकी नहीं बल्कि पागल दीवानी मस्तानी हो चुकी है। ठोको ताली, क्योंकि जी ये कहती है कि जो औरतें बैठकर लाइव करती है सितारा की सपोर्ट रहे और मुझे ट्रोल करती है और मुझे कहती है कि भाई मैंने पहले वीडियो डाली मेरे साथ साथ, किसने डाली? सुमेरा ने डाली, सुमेरा के मिया ने डाली, बाबर ने डाली, तो तुम लोग उसको क्यों नहीं ठोकते? कहने का यही मतलब था उसका। कहती है और लोगों ने भी तो वीडियो डाली, उनको क्यों नहीं तुम लोग ठोकते हो? देखे जी सबने सबको ठोका और बराबरी में ठोका, लेकिन जी तुम इसलिए चाची 440 जो हो गई है पागल कुतिया, जो कहती है मेरी उन बहनों को जो लाइव करती हैं, लाइव कौन कौन करता है मैं आपको बताती हूँ। देखें नौशी मुल्तानी लाइव करती हैं, ठीक हो गया जी, सैम लाइव करती हैं, मीरब सिस्टर लाइव करती है, डोली लाइव करती है और समटाइम जो है वर्दा सिस्टर लाइव करती हैं। इसके अलावा कौन लाइव करता है? इसके अलावा लाइव तेरा सिस्टर करती हैं। इसके अलावा और कौन ऐसा है जो लाइव करता है? तो जी लाइव है मेरी यही बहनें करती हैं, लेकिन इसने सबको मारा है रगड़ा दे रगड़ा दे रगड़ा। लेकिन जी अगर ये कहती है कि कुत्तों की तरह भौंकती हैं, कुत्तों की तरह लाइव करती है और कुत्तों की तरह रिएक्शन देती हैं, तो सबसे बड़ी कुत्ती कौन? ये नज्जो 400 नहीं 140 ठोको ताली, क्योंकि इसको लग गया है चबूरा बड़ा जोर का और ये फुदक के उधर गिरी और फुदक के उधर गिरी, इसलिए ये हो गई है पागलो पागल। इसलिए कहती है सितारा मेरे साथ गले लगकर दो बार रोई। अरे तेरे लिए नहीं रोई, ये बेवकूफ ए जाहिल ए गवार औरत, सितारा तेरे साथ नहीं रोई, रोई थी तुम्हारी बेटी के लिए फातिमा के लिए। सही बात है, बंदा किसी जानवर को भी अपने घर में रख ले तो उससे भी प्यार हो जाता है, जो प्यार हो गया है सितारा को तुम्हारी बेटी फातिमा से, इसलिए वो रोई। यहां पे अगर हम देख लें सितारा की वीडियो तो वो रोई, उसकी मां रोई, फातिमा रोई, लेकिन जी इसने अपने ऊपर टैग लगा लिया मुझको देखकर रोई मुझे। अरे ऐसे कैसे तुझे देखकर रोई? तू इतनी अच्छी शरीफ जादी, इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत तो तू है नहीं चाची 420 जी जी जी। वो आंटी होती है ना वो अलग वाला जिन देखा होगा, बिल बतोड़ी नासा चोड़ी, वैसी नासा चोड़ी वाली बिल बतोड़ी आंटी 440 पे पहुंच गई, इसकी तरक्की हो रही दिन पर दिन पर दिन पर। तो जी ये पागल औरत इस तरह की बकवास करी फिर करती है। जो औरतें कहती हैं भाई मैंने शॉपिंग की, इस तारा ने मुझे पास है दिए, मुझे बोबे दिए, मुझे नहीं दिए बोबे वोबे, मुझे तो जरूरत ही नहीं थी बोबे लेने की, क्योंकि मैं तो और मेरे हस्बैंड ने खुद ही शॉपिंग की खुद ही, क्यों वैसे भी हमें जरूरत नहीं थी, मैंने जूते लेने थे पर नहीं लिए क्योंकि मेरे में इतनी वो थी नहीं, इसलिए मैं गंदा बुरखा पहन के ही वहां पर मैं चली गई। उसके बाद ये बड़ी बातों में टोल मटोल करके ठोक भी रही थी तेरा सिस्टर को, जिसने भी इसकी वीडियो सुनी और देखी है आप लोगों को उसमें अंदाजा हो गया होगा कि इतनी जेलसी, इतनी जेलसी। देखे तेरा सिस्टर जो है वो टका के बात करती है और सही ठोकती है, लेकिन इससे वो ठोकना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वैसे इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, आतने बच्चे आ चुके इस दुनिया में तो भाई अब तो ठोको तो बर्दाश्त होना चाहिए, लेकिन जिनसे ये बर्दाश्त हो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जहां पे ये कह देती है जी मैं क्या करूं, मैंने तो अपनी बहन को पहले ही मना कर दिया, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई ऐसी बातें मत करो, इसने बीच में दिलबर को भी ठोका, लेकिन दिलबर ये लोग सब एक है, सब एक है। यहाँ पे जी अब एक और बात कर लेते हैं, दिलबर कहता है जी हमने ये कांड नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं उसकी माँ ने ये कांड नहीं किया, लेकिन वर्दा सिस्टर ने जो मैसेज शो कराया जिसके अंदर मामू नदीम बैठ रहे तशरीफ का टोकड़ा रखकर, मामू नदीम करे तो इसका मतलब है खबीज जलील कुत्ती कमीनी, ये मामू नदीम जो है रुबीना बनकर इस तरह के मैसेज कर रहे थे।
है, जिसने भी मैसेज किया है तो इन्हीं के खानदान का ना, या तो फिर रुबीना का कोई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं, नहीं नहीं आजकल नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, गंद बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर उसने उस बॉयफ्रेंड को छपा के रखा हुआ, जिसके पास इसने सारे अपनी एड़ी वाड़ी ये वो सब कुछ दे दू के रखा हुआ कि जब मुझे या मेरे बेटों को नजरों से नीचे फेंक दिया जाए, तुम लोग खड़े हो जाओ और सितारा को ठोको और उसकी बच्ची को ठोको और ये ठोको। ठोकने से याद आए क्या, इजाज शाह ने कहा तुमको, क्या तुम अब इजाज शाह की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो? ओ आम जी मैं कहां चली जाऊं, मुझे तो गोल गोल चक्कर 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 आ रहे। चाचा जी आप कह रहे हैं रुबीना ने ऐसा नहीं किया, सलमा ने किया, तो चाचा जी आपको पता होना चाहिए, मैं रईस चाचा को कह रही हूँ, रईस चाचा आपको पता होना चाहिए सलमा नैना रुबीना आलनीम और नदीम के साथ साथ निम 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 बहुत से लोग उन लोगों के साथ मिले हुए, आपको पता होना चाहिए। ये मत के कि भाई वो अनपढ़ है या वो जाहिल है, ये मैं कह रही हूँ रुबीना के बारे में कि वो नहीं लिख सकती, सुन तो सकती है, देख तो सकती है, शी इज अ जीती जागती वुमेन, शी इज नॉट डेफ, शी इज नॉट ब्लाइंड, लेकिन यहां पर वो देख भी सकती है, सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, लिख नहीं सकती क्योंकि वो अनपढ़ जाहिल गवार औरत है। मान लेते आपकी बात को, सर आंखों में उठा के रख लेते हैं, लेकिन राइस चाचा जी यहां पर ये हो रही है गेम, शतरंज की छोल चली जा रही है, लेकिन आप भी क्या करें, आपको भी बेचारे को वही बताया जाता है या फिर आपको भी कहा जाता है आपने हमारे लिए आकर इस तरह की बात बोली है, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो हैं सितारा यासीन से लव प्यार मोहब्बत चाहत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए आकर बोलते हैं। जिस तरह आपने आकर बेबो को कहा कि बेबो का फिर कम बैक अगेन हो गया और कहा कि बेबो अगर तू बोलेगी तो मैं तुझे ठोकूंगा, मैं ठोकूंगा, मैं ठोकूंगा, लेकिन चाचा जी आप बेबो को ठोको, लेकिन जो हक सच की बात है वो जरूर करो। यहाँ पे रुबीना नैना सलमा इन सब ने मिलकर, और इजाज को तो हम भूल नहीं सकते, इन सब का बीच में, और सबसे बड़ा आई नो कि आपका दिलबर से प्योर है ना, प्योर है, लेकिन उस प्यार को फिलहाल उठाओ और एक साइड पे रखो। अगर आप सच्चे सच्चे सपोर्टर है सितारा यासीन के, उस प्यार को उठाओ और एक साइड पे रखो और सच आके बर्दाश्त करो, उसको पूछो भाई क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तुम लोग की आइडिया है, सबने उसको फॉलो किया हुआ, तुम्हारे खानदान ने फॉलो किया हुआ, क्यों किया हुआ, तो इसका मतलब है वो खानदान का आदमी है ना चाचा जी, चाचा जी है ना। हाँ तो हक सच की बात करनी चाहिए, आप अच्छा बोलते हैं सितारा के लिए बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम लोग अमेरिका में बैठकर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, मैसेज वगैरह नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लेकिन है कि हम आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहां आप थोड़ा सा पार्टनरी से थोड़ा सा यू 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 हो जाते हैं, सारी बातें यार रिश्तेदारी है, प्यार है, खून है, मोहब्बत है, चाहत है, आपने उनके रेस्टोरेंटों पर काम भी किया है, आपने सब कुछ किया, अगर आप उनके खिलाफ उठकर बोलेंगे तो फिर तो वो तो फिर आ जाएगा ना, बैठ जाएगा पेंट है सीधा, कैमरा कहाँ देखा आज आपने उसकी वीडियो, कहाँ कैमरा सेट किया हुआ था, बहुत से लोग हंसे, हम नहीं हंसे, हमने कहा भाई थोड़ा कैमरा थोड़ा ऊपर कर ले, थोड़ा दाएं कर ले, थोड़ा बाएं कर ले, लेफ्ट कर ले, राइट कर ले, अपन कर ले, डाउन कर ले, कहीं तो कर, वहां से तो हटा, पर नहीं हटाया। अब देखें ना, अब ये इस तरह का दिलबर काम करता है, हम उसको बुरा भला नहीं कह रहे, जो उसने सितारा यासीन को गालियां गलौज दी आपने तब भी नहीं आके कुछ बोला, चाचा जी जैसे बोलना चाहिए बोला होगा पर अच्छे से नहीं बोला है ना, आपका सारा गुस्सा जाके बेबो पे उतरता है, ऐसा नहीं करते, बेबो ही नहीं रहेगी दुश्मन, अब तो अपने ही इसके रिश्तेदार सितारा यासीन के दुश्मन बन गए हैं। जिस तरह आप आके ठोकते हैं सलमा यासीन को, उसी तरह आके ठोके इन लोगों को, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, आपको घबराने की परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक हो गया जी, आप मशाला अच्छे हैं, चीते बंदे हैं, लंबे ऊंचे हैं, मूछें भी रखी हुई हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। चले जी, अब चाचा जी को तो हम रईस चाचा को उठा के एक साइड पर रखते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं दिलबर नैना रुबीना और सलमा। सलमा तो बड़ी खुशमाखुश, इतनी खुशमाखुश, देखो देखो मैंने जो कांड करवा दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि रुबीना अपनी जबान को लगाम दो, फकीरों की तरह कटोरा पकड़ कर आ जाते हो
और मेरे ऊपर बोलते हो, मेरे नाम के व्यू खाते हो। आम जी, वैसे मुझे नजर आ, मुझे पर मुझे जब हम लोग जहां तक देख रहे हैं 84,140 है। अरे 140, ओ माय गॉड, बिर बतोड़ी नासा चोड़ी। ये बताओ, तुम तो व्यू खा रही हो सारा यासीन के। झूठी, जलील, बगैरत, शर्मदार, इज्जतदार, हयादार, बाहयादार औरत, ये बताओ तुम क्या कर रही हो? अगर तुम ये कह रही हो कि तारा ने मैं मना नहीं किया, उसने कहा डाल दो, तुमने डाल दी, जब तेरा सिस्टर ने मना किया था नहीं डालनी, तो तुमने क्यों नहीं सुना? बताओ, जवाब दो, दे सकोगी जवाब? और जवाब ही नहीं है तेरे पास, और जवाब ही नहीं है। जवाब तो तूने लपेट लपूट के अपने अबाई के अंदर ठूस के रखा हुआ था, और अपने हस्बैंड को आगे, तेरा हस्बैंड इतना शर्मदार, इज्जतदार, हयादार, पाएदार, पलंगदार है, चरपाईदार, कि उसने आके तैबा आया, जब भी कोई बात हुई या नहीं आया, आय पे बात हुई, आया तेरा हस्बैंड, आया नहीं आया ना, आना भी क्यों है, क्यों आएगा, तुम लोग नहीं आओगे सामने, खाली तुम लोग और पैसे लेने, शोरबे चार्डर है, दैट्स इट, इसके अलावा तुम लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के ऊपर अगर स्पोर्टर्स तारा की उठ के सवाल जवाब करते हैं, तुम लोगों के तन बदनों में आग लग जाती है, तुम लोगों के कट्टे चट्टे बट्टे जो हम लोग ला के रोज तुम लोगों के मुंह पे डालते हैं, फिर इंतजार करते हैं यार अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, पता नहीं ऊंट बैठेगा भी ये नहीं बैठेगा, पर तुम लोग बैठ जाते हो, है ना, थूक फेंक कर थूक को चाटते हो, नाक फेंक के तिजोरियों में छपा के रख देते हो कि अगले साल बच्चे स्कूल जाएंगे इसी नाक से अपनी किताबों को, इनकी कॉपियों को चिपकाएंगे और इनको दे देंगे। ऐसे तो तुम लोग हो, तुम लोग सितारा यासीन बनने कहाँ जाओगे? तुम लोग सितारा के सपोर्टरों को टारगेट करते हो, ये कहते हो कि वो तुम लोगों के व्यू खाते हैं, तुम लोगों के ना भाई ना, तुम लोग खाते हो, तुम लोग गरीब हो, तुम लोग जलील हो, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोग कुत्ते कमीने हो। तुमने सबको कहा ना सितारा सपोर्टरों का, कोई उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पर मैं तो बोलूंगी, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, इतना दम है, सब लोग आएंगे बराबरी बैलेंस लेकर बात करेंगे, लेकिन ऐसे बैलेंस को मारो एक यहां से ठुड्डा फेंको वहां पर, गलत को गलत कहना सीखो, जो मैं बार बार कहती हूं, ऐसी औरतों को उठाकर लपेट कर ऐसे नुकरे में फेंको, इन लोगों को लग पता जाए। ये औरत बैठकर दुआएं दे रही थी नजमा सितारा सपोर्टरों को, तो वो सारी दुआएं शुआएं पकड़ के ला तेरे मुंह पे मैं डालती हूं। पहले अपना मुंह जा ठीक कर, जो तुम्हारे मुंह को तुमने कवर करके रखा हुआ ना, जो बहुत गंदा गलीस और इस तरह का है, उसको पहले नीट एंड क्लीन कर। सब लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए जो सितारा यासीन के पीछे लगकर इस तरह की हरकत ये औरत करती है, और फिर मिली हुई है दिलबर, बाबर, उसकी बीवी, इन सब के साथ मिली हुई है, सलमा के साथ मिली हुई है, जो बार बार कहती है, लोगों को कहती है कि कहो कि वो वापस आए, इसको चुल लगी हुई है, और इसको इसकी बहन को चुल लगी हुई है, और इसके बाप को चुल लगी हुई है, और इन लोगों के चूल्हों में आग लगी हुई है, तो इन लोगों के चेहरे खुल के सब सामने आ चुके हैं, जितना इन लोगों को बुरा भला कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सितारा यासीन अपनी जिंदगी इन लिए लोग जीने नहीं दे रहे उसको, तो हम जैसे ही बंदे आके इन लोगों को ठीक करेंगे, जवाब देंगे, इनको आग लगती तो लगे, जितना कुछ ये बोलेंगे उनको लपेट लपूट के गोला आका बना के इनके मुंह पे ढस मारेंगे, आए लग गया, ओए लगा, ओ लग गया, हाय सियापा लग गया, बैठ गई वो बेचारी नीचे, है मुझे तो लगता वो लेट भी गई है, हाय अब क्या होगा, वो तो लेट गई है, हाय हाय लगता बहुत जोर का लगा, तो नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोच लेना है। चलेगी आज की अपडेट थी, ब्रेक न्यूज था, रिव्यू था, रोस्टिंग थी, जो भी समझ ले, आएंगे नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज और रिव्यू के साथ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।